जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है घर में खुशहाली कैसे लाएं, जानेंगे इसी के विषय में। जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक, जानेंगे घर में खुशहाली लाने के कुछ उपाय। मित्रों, मकान के जिस कोने में 200 वहां शंख बजाना चाहिए, ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है। मित्रों, घर में दूध वाले वृक्ष में ग्रह स्वामी फेफड़े व किडनी के रोग से ग्रस्त होते हैं, घर में दूध वाला वृक्ष नहीं होना चाहिए। मित्रों, घर में बंद पड़ी घड़ी भाग्य को अवरुद्ध करती है, जो कि घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे से खुशहाली रुकती है और बदनसीबी आती है। मित्रों, पूजा स्थल में सुबह शाम दीपक जलाना सौभाग्यवर्धक माना जाता है, जो कि आपको करना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य हमेशा आपको सौभाग्यवर्धक बनाता है। मित्रों, पलंग के नीचे सामान व चप्पल रखने से ऊर्जा का बहाव अधिक होता है। मित्रों, ऑफिस में पीठ के पीछे पुस्तक की अलमारी ना रखें, ऐसा रखने से नेगेटिविटीज आती है, जिससे खुशहाली रुक जाती है। मित्रों, मुकदमे या विवाह से संबंधित फाइल तिजोरी या लॉकर में ना रखें, ऐसा रखने से मुकदमे में विलंब और देरी होती है। मित्रों, पूजा स्थल के ऊपर कोई भी वस्तु ना रखें। पूर्वज के चित्र पूजा कक्ष में रखने से घर में कलेश व रोग होता है। मित्रों, घर में पूर्वज के चित्र नेतृत्व कोण या पश्चिम दिशा में रखें, ऐसा रखने से हमेशा ऊर्जा बनी रहती है। मित्रों, प्रस्थान के वक्त जूते चप्पल का नाम लेना अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ दर्पण घर में ना रखें। बेडरूम में डबल बेड पर दो अलग अलग गद्दे रखने से तनाव व दंपत्ति में दरार पड़ती रहती है। मित्रों, बीम के नीचे डाइनिंग टेबल रखने से उधार रकम वापस नहीं आती है। मित्रों, शयन कक्ष में जल तथा दर्पण अशुभ होता है। मित्रों, छत पर उल्टा मटका रखने से राहु ग्रह कुपित होता है और परेशानी आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, शयन कक्ष, रसोई गृह एवं भोजन कक्ष बीम रहित होना चाहिए। तेजस्वी संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। मित्रों, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर तिजोरी का पल्ला खुलना सबसे उत्तम है। किसी भी कक्ष या शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे कपड़े आदि कुछ भी टांगना लटकाना नहीं चाहिए। मित्रों, सीढ़ियों के नीचे बैठकर कोई भी काम ना करें, ऐसा करने से खुशहाली रुकती है। मित्रों, प्रत्येक रविवार को बच्चों को दूध रोटी और शक्कर अलग अलग या मिलाकर खिलाने से मेगा शक्ति बढ़ती है। मित्रों, मुकदमा विवाद या झगड़े के कागजात उत्तर पूर्व या ईशान दिशा में रखने से फैसले जल्दी आते हैं। मित्रों, शयन कक्ष में जूठे बर्तन रखने से कारोबार में कमी आती है और कर्ज बढ़ता है। मित्रों, उपहार में आए चाकू कैंची आदि ना रखें। एक ही लाइन में तीन व्यक्ति को फोटो कभी ना रखें, कभी ना लगाएं। ईशान कोने में वजन रखना अशुभ एवं नेतृत्व जितना भार हो उतना ही अच्छा होता है। रसोई घर में पूजा स्थान रखने से गृह स्वामी धोखा खाता है। मित्रों, दो उंगली से पकड़कर नोट लेना अशुभ है, लेन देन पांचों उंगलियों से करना चाहिए। कार्यालय या ऑफिस में आए हुए व्यक्तियों की कुर्सियों से अपनी कुर्सी ऊंची रखें। हमेशा शिकायत करने से, रोने से घर में हानिकारक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। मित्रों, घर की दहली के अंदर खड़े रहकर दान देना चाहिए। मित्रों, स्नान किए बिना दुकान कभी भी नहीं जाना चाहिए। फोटो आदि को दक्षिण दीवार पर लगाना चाहिए। मित्रों, किसी भी अशुभ चौकड़ी में पीसी गई हल्दी में गंगा जल मिलाकर मुख्य द्वार के दोनों तरफ ओम बनाने से अनर्थ संभावना समाप्त हो जाती है। घर में बिल्ली का विष्टा करना शुभ सूचक होता है। मित्रों, ईशान या उत्तर में तुलसी का पौधा लगाने से उधारी दूर होती है। मित्रों, शीशम के पन्नों
के पत्तों के सिराने रखने से स्वप्न दोष समाप्त हो जाता है। बुधवार को पैसे, पुस्तक, स्कूटर, पंखे आदि कुछ भी उधार देना नहीं चाहिए। मित्रों, दो दर्पण आमने सामने नहीं रखने चाहिए। अनजाने कुत्ते को पीछे आना शुभ सूचक माना जाता है। मित्रों, ये थी कुछ शुभ के लिए अच्छी जानकारी, जिसे आप अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में खुशहाली लाएंगे। इन नियमों को अपनाइए, अपने जीवन में खुशहाली आप ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को समझाया और बताया जाता है। जय श्री श्याम।